नमस्कार दोस्तों, आदाब। साहित्य सुधा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर मुसीबत का कोई ना कोई इलाज ज़रूर होता है, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान ज़रूर होता है, लेकिन मुसीबत का इलाज हम तब कर पाएंगे, समस्या का समाधान हम तब कर पाएंगे जब हम अपने हौसलों को छोटा ना होने दें। अगर हौसले छोटे हो गए, अगर हौसला ख़त्म हो गया हमारा, तो फिर हम किसी भी मुसीबत का इलाज नहीं कर सकते, किसी भी समस्या का समाधान नहीं हमको मिल सकता। बहुत लोग मुसीबतों से घबरा के अपनी लड़ाई आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, हौसला रखना चाहिए। आज नहीं तो कल ऊपर वाला हमको कोई ना कोई रास्ता निकाल के दे ही देगा। दोस्तों, आज आपको हौसला बढ़ाने वाले कुछ शेर आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, बहुत ही कमाल के शेर हैं। ये ऐसे शेर हैं कि इनको सुनने के बाद नस नस में बिजली फड़क जाए और खून उबाल मारने लगे। दोस्तों, आपके सामने पेश करता हूँ आज हौसला बढ़ाने वाले शेर। एक एक करके बताता हूँ, बड़े नामचीन शायरों ने ये शेर लिखे हैं और कमाल के शेर हैं। तो पहला शेर है दोस्तों कि एक आपको पहले कि इंग्लिश में बताऊँ, मैं पेशे से इंग्लिश का टीचर हूँ और मेरा चैनल भी है इंग्लिश पढ़ाने वाला यूट्यूब पर, उसका नाम है लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। लेकिन तो मैं आपको एक इंग्लिश में एक कहावत बताता हूँ। एक कहावत है इंग्लिश में कि सक्सेस बिगिंस विद अ फेलोज विल। सफलता जो है, कामयाबी जो है, वो आदमी की इच्छा से शुरू होती है। सक्सेस बिगिंस विद अ फेलोज विल, इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड। सब हमारे मन में होता है। कहता है ना, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। वही बात है दोस्तों, और इसी बात के ऊपर ये बेस्ड ये सारे के सारे शेर हैं। तो मैं आपको पहला शेर बताता हूँ कि एक बहुत ही मशहूर शायर है शकील आज़मी साहब, कौन नहीं जानता इनको। तो इन्होंने एक बात कही कि हार तब होती है जब मान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। है ना दोस्तों, कमाल का शेर। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, रोंगटे खड़े हो गए दोस्तों। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इंग्लिश में एक और कहावत है, फिर से आपको बताता हूँ। एक कहावत है दोस्तों कि नो डिफीट इज फाइनल अनटिल यू स्टॉप ट्राइंग। अगर हम हार, हमको बार बार हार मिल रही है, और अगर हम किसी हार को अपनी आखिरी हार मान लें, अंतिम हार मान लें, तब हमारी हार हो जाती है। लेकिन अगर हम उस हार को अपनी आखिरी हार ना माने और लड़ते रहें, तो कोई भी हार हमारी आखिरी हार नहीं हो सकती। एंड वी शुड बी रेडी टू हैव द लास्ट लाफ। आखिरी हंसी हमको हंसनी है, यही बात हमको याद रखनी चाहिए। चाहे ज़माना आप पर हंस रहा हो, आपको तकलीफ पहुंचा रहा हो, घबराना नहीं चाहिए दोस्तों, हौसला रखना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत ही कमाल की बात शकील आज़मी साहब ने कही कि हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। और दोस्तों देखिए, कितनी कमाल की बात कही साहिर लुधियानवी साहब ने। अब साहिर लुधियानवी साहब को कौन नहीं जानता, तो सूरज की तरह चमकते आसमान में। साहिर लुधियानवी साहब ने कहा कि हज़ार बर्क गिरें, लाख आंधियाँ उठें। बर्क का मतलब है बिजली, आप जानते ही होंगे। हज़ार बर्क गिरें, लाख आंधियाँ उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो कोई आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है क्या? आपको आगे बढ़ने से अगर कोई भी रोक सकता है, तो आप खुद अपने आप को रोक सकते हैं। दूसरे और किसी में इतनी ताकत नहीं है कि आपको आगे बढ़ने से रोक सके, किसी में भी नहीं, क्योंकि हम पैदा ही होते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों, बहुत ही कमाल की बात कही उन्होंने कि हज़ार बर्क गिरें, लाख आंधियाँ उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। और दोस्तों, कैसा हौसला मन में रखना चाहिए, देखिए कितने कमाल की बात कही जिगर मुरादाबादी साहब ने। जिगर मुरादाबादी साहब सब जानते उनको। तो उन्होंने कहा, और ये बड़ा मशहूर शेर है, एक फिल्म आई थी, गुजरे ज़माने की फिल्म है, बुलंदी उसका नाम है। राजकुमार साहब, जिनकी डायलॉग डिलीवरी की दुनिया दीवानी है, दुनिया कायल है। तो राजकुमार साहब ने उस फिल्म में यही शेर पढ़ा था, बुलंदी फिल्म का नाम है। और ये शेर है दोस्तों कि हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं। दोस्तों, यही हौसला रखना चाहिए कि हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। तो दोस्तों, यही हौसला रखना है और हर मुसीबत का डट के सामना करना चाहिए, और कभी हार नहीं माननी चाहिए। आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा, चाहे बेशक उसमें वक्त जो भी लग जाए, टाइम जो भी लग जाए, काम रुकता नहीं है। कितने भी दोस्तों ज़ख्म लगे हुए हों, चाहे ज़ख्मों से खून रिस रहा हो, चाहे घिसट के चल रहे हो, लेकिन अपना काम ज़रूर करते रहना चाहिए। आखिरी शेर दोस्तों पेश करता हूँ, और ये है, देखिए कितने कमाल की बात कही किसी ने, कितनी हिम्मत है शेर में। और फ़हीम जोगपुरी साहब ने इसको लिखा है। शेर है दोस्तों, एकदम नसों में उबाल आ जाएगा आपके। देखिए, वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से। अरे वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, अभी हमने उड़ान भरी कहाँ है।
जब हम उड़ान भरेंगे तो तुम देखना कि हम कहाँ पहुँच सकते हैं। वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। आसमान से दोस्तों जो 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 हिम्मती परिंदा, वो कहाँ हारने वाला है, वो तो उड़ता रहेगा। यानी ये ज़माना जो बहुत ही बेरहम है और बहुत ही दुश्वारियाँ भरी हुई यहाँ पर, लेकिन अगर हम लड़ना छोड़ दें तो ही हम हारेंगे, अदर वरना हमको कोई हरा नहीं सकता। यही बात कही दोस्तों कि वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। दोस्तों हौसला बुलंद रखना चाहिए, अगर हौसला बुलंद रखेंगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज के शेर अच्छे लगे होंगे। अगर आप आगे भी इस तरह के शेर मुझसे सुनना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर से कमाल की एक बात बताऊंगा, कोई गज़ल सुनाऊंगा आपको, कोई हिंदी की शुद्ध हिंदी की कविता सुना सकता हूं, कोई संस्कृत का श्लोक सुना सकता हूं। और दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इन शेरों को, जिससे कि सभी लोग अपना अपना हौसला मजबूत कर सकें और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच, अगली बार आपसे मिलता हूँ और फिर से एक कमाल की चीज़, एक उम्दा चीज़ पेश करने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया, मेहरबानी।